सीएम साहब का लगता है कि रुतबा ये सीएम साहब का रुतबा है, चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, कोई दम होना चाहिए चीफ मिनिस्टर में, कोई बात में दम होना चाहिए, अधिकारियों पर कमांड होनी चाहिए। तो यूँ लगा भाई वो दुष्यंत को हटाने के चक्कर के अंदर मनोहर लाल जी तो उन्होंने जाना ही था, पर मनोहर लाल इनसे तो मनोहर लाल जी लाख गुना बेहतर थे, कम से कम उस कुर्सी पर बैठ के लगते तो थे भाई ये मुख्यमंत्री भी है। आप बोल रहे हैं बीजेपी के कांग्रेस वाले आपको वोट दिलाए, कैप्टन अभिमन्यु हमें पूरे वोट दिलवा रहे हैं नारनौंद में जितने उनके पल्ले, तो कोई बात नहीं, इन चीज़ों से हम सीखें, हमारी गलतियां हैं जी। अगर कोई हमें छोड़ करके गया वो पूरा विश्वास पात्र आदमी नहीं था, हमने गलत विश्वास किया। चौधरी देवीलाल जी को देश के प्रधानमंत्री बनाए, वीपी सिंह जी छोड़ के चले गए, पांच पांच मुख्यमंत्री बनाए वही छोड़ करके चले गए, क्या फर्क पड़ता है जी। दुष्यंत जी यहाँ से एमपी रह चुके हैं और काम बहुत उन्होंने करवाई, ये पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोग मानते हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आता है तब फिर भी काम करवाने वाले दुष्यंत चौटाला को 3 लाख वोटों से हरा दिया था और जिसको जिताया था वो एक दिन भी नजर नहीं आए। साथ ही जो किसानों की नाराजगी थी, जो हर जगह हर गांव के अंदर विरोध हो रहा था, क्या लगता है इस चुनाव में मना पाए उन लोगों को या अभी थोड़ा समय और लगेगा? अगर नाराज हमारे से कोई है हम ही मनाएंगे ना उन्हें, और कौन मनाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है, हम घर घर जाएंगे मनाएंगे। अगर अभी भी कोई नाराजगी रहेगी उसको, वो हमारे हरियाणा में कहावत है उलाहना घर में दिया जाए, तो घर में दे रहे हैं कोई बात, अगर उन्हें लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए था। कुछ लोग जैसे मैं स्वयं इस बात को स्वीकारता हूँ कि शायद बीजेपी के साथ ना जाते तो आज ये हालात नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई चुनावी दंगल के दिन में अब गिनतियों के दिन बाकी हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, और ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी की कहिए, प्रत्याशी की कहिए, नेताओं की कार्यकर्ताओं की कहिए, सबकी धड़कने तेज हैं कि चुनाव वाले दिन क्या होगा या नतीजे क्या होंगे, ये सबकी धड़कने तेज हैं। ऐसे में लगातार जो है रिपोर्ट्स आपको ग्राउंड की दिखाती रही हूं और आज इसी कड़ी में दिग्विजय चौटाला मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत करती हूँ सिटी बिग न्यूज़ में आपका। थैंक यू। गिनती के दिन बचे हैं, धड़कने ज्यादा तेज हैं या हौसले ज्यादा बुलंद? ना धड़कने तेज होनी चाहिए ना और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, काम करते रहो। बाकी जनता ने 25 तारीख को वोट डालने हैं जी, जनता परमात्मा के रूप में अपना मैंडेट सुना देगी, 4 तारीख को सब सामने होगा जी। हम बहुत मजबूत हैं, आज की स्थिति में जो पार्टी जूझ रही है, जो संघर्षरत है, प्रयासरत है, क्योंकि कांग्रेस तो कंप्लीट सरेंडर कर चुकी है, अगर कोई पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो जेजेपी है जी। हमें हरियाणा की जनता का अभूतपूर्व आशीर्वाद मिलेगा। आप कहते हैं विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, विपक्षी कहते हैं कि जैसे ही ये इलेक्शन हुआ ये वापस से जेजेपी जाकर के बीजेपी में फिर से मिल जाएगी, ये सिर्फ इलेक्शन का चुनाव का ढोंग है। क्या कहेंगे बेचारे वो, और क्या कहेंगे, और क्या है उनके पास कहने को, वो कांग्रेस वाले नहीं कह रहे, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक ही हथियार है हमारे को कमजोर करने का, ये बात कह करके जी। साथ ही सवाल ये भी कि जिस तरीके से नैना चौटाला जी के काफिले पर हमला हुआ या जिस तरीके से बदसुलूकी की गई महिलाओं के साथ, उसको किस तरीके से देखते हैं और उसमें अभी तक क्या कुछ अपडेट है? अब ये तो पुलिस ने करना है, कुछ लोग शायद अरेस्ट हुए थे जी, फिर पंचायत हुई थी, कुछ लोगों ने माफी मांगी है, जिनको चोट लगी है अब तो मामला उनसे संबंधित है ना, मेरी माता से संबंधित नहीं है, अब तो संबंधित उन लोगों से है जिनके कपड़े फाड़े, जिनको हाथ तोड़े, जिनके कोई बैक पे चोट लगी है, किसी के माथे पे चोट लगी है, अब तो वो माफी देंगे तब की बात है जी। आप लोगों ने कहा कि ओछी राजनीति ये किसी कैंडिडेट के द्वारा की जाए, आप स्वयं महिला हैं, अगर कोई ऐसा व्यवहार हमारे साथ करे तो आपको कैसा लगेगा, ये सोचना चाहिए ना जी। लेकिन मतलब अगर करना ही था तो मैं मेरे उन भाइयों से कहता हूँ कि ये अगर अग्नि परीक्षा करनी ही थी तो हमारे साथ कर लेते जी। इतना कायर क्यों हुए जी। इतना थोड़ी तो शर्म करो, शराब पी करके डीजे पर नाच करके महिलाओं के कपड़े फाड़ दोगे। वो कहते हैं कि जी हमारा तो झूठा नाम लगाया जा रहा है जेजे पे, किसने किया है तो पता लग जाना चाहिए, किसने किया है, वो किसके साथ उसकी फोटोग्राफ है, किसके काफिले में उनकी गाड़ियां चल रही थी, वो डीजे कहां से आया था, जहां मेरी माता जी का प्रोग्राम था उससे 3-4 किलोमीटर दूर ही जेपी थे जी। चलिए, उसके अलावा पीछे हम कैप्टन अभिमन्यु का भाषण सुन रहे थे, उन्होंने एक बात कही, ना चाचा भतीजे का, ना भतीजे चाचा का, ना दादा पोता के, ना पोते दादा के, इनका तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ये वक्तव्य था कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु हमें वोट दिलवा रहे हैं, अभी आप कह रहे थे एक मैं कह रहा हूँ कि कैप्टन अभिमन्यु इशारा करके हमें वोट दिलवा रहे हैं, पता लगा लेना आप 25 तारीख को। तो कैप्टन अभिमन्यु के अलावा और कौन कौन दिला रहे हैं? बहुत सारे दिलवा रहे हैं बीजेपी के जी, कांग्रेस में भी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, अब आपने एक का ले दिया तो मेरे को हाँ भरनी पड़ी। आप बोल रहे हैं बीजेपी के कांग्रेस वाले आपको वोट दिलाए, कैप्टन अभिमन्यु हमें पूरे वोट दिलवा रहे हैं नारनौंद में जितने उनके पल्ले,
तो लेकिन हाल तो जेजेपी का भी यही है, जेजेपी के जो लोग जो अक्सर आप लोगों के साथ नजर आते थे अब वो जो है कांग्रेस के साथ ग्राउंड में नजर आ रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, चलता रहता है, पतझड़ है राजनीति का। इसमें अब नई बसंत ऋतु आ जाएगी 5 तारीख के, 4 तारीख के बाद जी। लेकिन जो राज में आप लोगों के साथ रहे और अब अचानक से जब जरूरत ही आपको छोड़ के चले गए, चेहरे तो याद रहेंगे उनके। आप भी यंग हो, हम भी यंग हैं, अभी एक्सपीरियंस लाइफ में धीरे धीरे तो आता है जी। आदमी की परख जो है, अब मैं मेरे दादा से देखता था, सीखता था चौटाला साहब से, तो वो उनको इतना एक्सपीरियंस 30-40 साल लगे, तो कोई बात नहीं, इन चीज़ों से हम सीखें, हमारी गलतियाँ हैं। अगर कोई हमें छोड़ करके गया, वो पूरा विश्वास पात्र आदमी नहीं था, हमने गलत विश्वास किया। चौधरी देवीलाल जी को देश के प्रधानमंत्री बनाए, वीपी सिंह जी छोड़ के चले गए, 5-5 मुख्यमंत्री बनाए, वही छोड़ करके चले गए, क्या फर्क पड़ता है जी उसे? कोई फर्क आपको नहीं? नहीं, नहीं, हम तो जन्मे ही संघर्ष में थे जी। मेरी परिवार की 4 पीढ़ियां समेत हमारे सब जेलों में संघर्ष कर चुकी है, कोई चिंता नहीं है हमें। उसके बाद ही हिसार लोकसभा की अगर बात करें, नैना जी मैदान के अंदर है, उससे पहले दुष्यंत जी यहाँ से एमपी रह चुके हैं और काम बहुत उन्होंने करवाई है, पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोग मानते हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आता है तब फिर भी काम करवाने वाले दुष्यंत चौटाला को 3 लाख वोटों से हरा दिया था, और जिसको जिताया था वो एक दिन भी नजर नहीं आए। लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं कि मोदी की हवा थी, तो अब तो मोदी की हवा भी नहीं है। तो अब की बात लगता है लोग गलतियां सुधारेंगे, निश्चित तौर पर हमें वोट देंगे जी। साथ ही जो किसानों की नाराजगी थी, जो हर जगह हर गांव के अंदर विरोध हो रहा था, क्या लगता है इस चुनाव में मना पाए उन लोगों को या अभी थोड़ा समय और लगेगा? अगर नाराज हमारे से कोई है, हम ही मनाएंगे ना उन्हें, और कौन मनाएगा जी। कोई दिक्कत नहीं है, हम घर घर जाएंगे, मनाएंगे। अगर अभी भी कोई नाराजगी रहेगी उसको, वो हमारे हरियाणा में कहा होता है उल्हाना घर में दिया जाएगा, तो घर में दे रहे हैं, कोई बात। अगर उन्हें लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए था, कुछ लोग जैसे मैं स्वयं इस बात को स्वीकारता हूँ कि शायद बीजेपी के साथ ना जाते तो आज ये हालात नहीं होते, और मैंने सदैव किसानों के पक्ष की आवाज़ पार्टी की लाइन पे भी उठाई, कोई बात नहीं। अगर वो नाराज़ हैं, कोई मेरे से मानेगा, कोई किसी और से मानेगा, सब जाकर के हाथ पांव जोड़ेंगे तो मानेंगे। अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन आरोप तो ये घमंड नहीं होना चाहिए बस। आरोप तो ये भी लगता है कि भाई पीछे जो गलती की वो गलती भविष्य में भी करेंगे, तो मैं दिग्विजय चौटाला से जानना चाहती हूँ। बच्चे हैं, अगर कोई गलती करी, घर में अगर बच्चा होता है वो कोई गलती कर देता है तो उसको दुरुस्त करने का अवसर देते हैं, तो लोग जानना चाहते हैं। गुनाह तो नहीं किया ना? गुनाह नहीं किया। अगर कोई किया तो लोगों के काम ही किए, मगर अगर वो भी गुनाह लगता है हमारा तो कोई बात नहीं, उस गुनाह के लिए भी हमें माफी दो, दोबारा वो गलती होगी? गलती क्यों करेंगे, सीखेंगे तो गलती क्यों करेंगे दोबारा जी? अगर गलती दोबारा करेंगे तो फिर हमें ही तो उसका नुकसान होगा जी, और किसी को नहीं होगा, हमें ही उसका नुकसान होगा। अगर लगता है कि किसी लोगों को ये लगता है, महसूस होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम उस बात को स्वीकारेंगे, हम उनके बच्चे हैं जी। चलिए, अलायंस की अगर बात हम कर रहे हैं तो ये पब्लिक की बात है, उसके बाद अब जो सीएम साहब बने हैं सैनी जी, वो कहते हैं जी ये तो कुछ टाइम के बाद नजर ही नहीं आएंगे जिनके साथ अलायंस में इतनी अच्छी सरकार चलाई आपने। एक बात बताओ, सीएम साहब का लगता है कि रुतबा ये सीएम साहब का रुतबा है, चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, कोई दम होना चाहिए चीफ मिनिस्टर में, कोई बात में दम होना चाहिए, अधिकारियों पर कमांड होनी चाहिए। तो यूँ लगा भाई वो दुष्यंत को हटाने के चक्कर के अंदर, मनोहर लाल जी तो उन्होंने जाना ही था, मगर मनोहर लाल, इनसे तो मनोहर लाल जी लाख गुना बेहतर थे, कम से कम उस कुर्सी पर बैठ के लगते तो थे भाई ये मुख्यमंत्री भी है। तो भाई ये तो पहले दिन तो कह रहे हैं मजे से आ रहे हैं, ये कहने की बात है, किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं। मैं आदर के साथ कहता हूँ, वो भी मेरा बहुत आदर करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, थोड़ा सा कमांड दिखाओ कि मुख्यमंत्री क्या होता है, नहीं तो कोई मानेगा ही नहीं, अधिकारी नहीं मानेंगे आपको मुख्यमंत्री जी। चलिए, साथ ही मैदान में अभी 3 प्रत्याशी मैदान से हैं, एक आपकी चाची है, मम्मी है, साथ ही दादा है, तो ये परिवार के अंदर चुनाव लड़ने का ये जो नजारा है हिसार लोकसभा, किस तरीके से चुनाव लड़ना तो पार्टी की लाइन और स्वयं का फैसला होता है, परिवार तो परिवार है ना, खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता है। मेरे रणजीत दादाजी से तो बहुत अच्छे संबंध हैं, पूरे परिवार के हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, और सदैव हम एक दूसरे के मददगार रहे हैं, मगर ये राजनीतिक लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, उनकी विचारधारा जो संघ की विचारधारा है उससे मेल खाती होगी, हमारी सोशलिस्ट विचारधारा है जी। किसी की और कोई विचारधारा होगी, तो ये अलग अलग विचारधारा की लड़ाई है, ये परिवार की लड़ाई नहीं है। चलिए, 25 मई को चुनाव है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि मेहनत काम करने वाले को दो वोट, दो अच्छा लगे उसको वोट दो, वोट मन का होता है, धक्के का नहीं होता जी। जो अच्छा लगे, अगर मेरी माता 2 बार MLA रही, आपको लगता है कि वो अच्छा काम कर सकती हैं, तो हमें वोट दो।
बहुत बहुत शुक्रिया तो ये मेरे साथ दिग्विजय सिंह चौटाला जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए।